हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ माय वीडियो सीरीज पॉलिटी बाय एम लक्ष्मीकांत। सो सबसे पहले मैं आप लोगों को हैप्पी न्यू ईयर विश करना चाहूँगा। अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ़ यू। ये मेरे इस साल की पहली वीडियो रहेगी, और लास्ट साल की जो मेरी लास्ट वीडियो थी उसके अंदर हमने डिस्कस किया था राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ के बारे में। सो उसके अंदर हमने डिस्कस किया था आर्टिकल 32 के बारे में और आर्टिकल 226 के बारे में। उसके बाद हमने उस वीडियो में और डिस्कस किया था अपनी रिट्स के बारे में, जो कि हमारे पास 5 रिट्स अवेलेबल हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जो कि हैं हेवियस कॉर्पस, मंडमस, प्रोहिबिशन, सरसियोरारी और को वारंटो। सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आर्टिकल 33, आर्टिकल 34 और आर्टिकल 35 के बारे में। सो हम इन आर्टिकल्स को बहुत ही डीपली पढ़ेंगे, और ये हमारी आई होप फंडामेंटल राइट्स की लास्ट वीडियो रहेगी। सो ये चैप्टर यहीं पर एंड हो जाएगा। सो शुरू करते हैं मेरी आज की वीडियो। मेरा नाम है अनंत और आप देख रहे हैं ई गुरुकुल एनसीईआरटी स्टफ। आर्म फोर्स एंड फंडामेंटल राइट्स। आर्टिकल 33 पार्लियामेंट को पावर देता है कि वो आर्म फोर्सेस के मेंबर्स, पैरामिलिट्री फोर्सेस के मेंबर्स या पुलिस फोर्सेस के मेंबर्स की फंडामेंटल राइट्स को छीन सकता है। सो इस प्रोविजन का ऑब्जेक्टिव है कि ये मेंबर्स अपनी ड्यूटीज को प्रॉपरली डिस्चार्ज कर सके और अपने बीच डिसिप्लिन मेंटेन कर सके। पार्लियामेंट को ऐसे लॉज बनाने के लिए किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। सो आर्टिकल 33 के अंडर में जो पार्लियामेंट्री लॉज एनेक्ट होते हैं वो कोर्ट मार्शल को सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के रिट ज्यूरिसडिक्शन से भी बाहर रखते हैं, जहां पर भी फंडामेंटल राइट्स के एनफोर्समेंट की बात आती है। मार्शल लॉ एंड फंडामेंटल राइट। आर्टिकल 34 कहता है कि इंडियन टेरिटरी में जहां भी मार्शल लॉ अप्लाई होगा वहां फंडामेंटल राइट्स पर रिस्ट्रिक्शंस लग जाएंगी। इसके बाद आर्टिकल 34 आगे कहता है कि मार्शल लॉ के टाइम पे अगर किसी पुलिस फोर्स या आर्मी के जवान ने किसी नागरिक को लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए गोली मार दी तो तब उस कंडीशन में पार्लियामेंट उसे बाइज्जत बरी कर सकती है। मार्शल लॉ का कॉन्सेप्ट इंडिया ने इंग्लिश कॉमन लॉ से बोरो किया है, लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मार्शल लॉ को कहीं भी डिफाइन नहीं किया गया है। मार्शल लॉ का मतलब मिलिट्री रूल से है। सो मिलिट्री रूल ऐसी सिचुएशन को दिखाता है जहां सिविल एडमिनिस्ट्रेशन मिलिट्री अथॉरिटी के थ्रू रन किया जाता है, और ये एडमिनिस्ट्रेशन मिलिट्री के ओन रूल्स एंड रेगुलेशन के अंडर में रन करता है। सो ऐसी सिचुएशन में ऑर्डिनरी लॉज सस्पेंड हो जाते हैं। अब मार्शल लॉ को नेशनल इमरजेंसी से कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं ये मैं अब आपको बताता हूँ। मार्शल लॉ केवल फंडामेंटल राइट्स को ही अफेक्ट करता है, लेकिन नेशनल इमरजेंसी केवल फंडामेंटल राइट्स को ही अफेक्ट नहीं करती, बल्कि ये सेंटर और स्टेट के रिलेशन को भी इफेक्ट करती है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू को भी इफेक्ट करती है, लेजिस्लेटिव पावर्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट को भी इफेक्ट करती है, और ये पार्लियामेंट के कार्यकाल को भी बढ़ा सकती है। मार्शल लॉ गवर्नमेंट और ऑर्डिनरी लॉ कोर्ट को सस्पेंड कर देता है, लेकिन नेशनल इमरजेंसी गवर्नमेंट एंड ऑर्डिनरी लॉ कोर्ट्स को कंटिन्यू रखता है। मार्शल लॉ लॉ एंड ऑर्डर के ब्रेक डाउन को रिस्टोर करने के लिए इम्पोज किया जाता है, लेकिन नेशनल इमरजेंसी ओनली 3 ग्राउंड्स पर ही इम्पोज की जा सकती है, जो कि हैं वार, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म रेबेलियन। मार्शल लॉ एक कंट्री के स्पेसिफिक एरिया पर इम्पोज करी जाती है, लेकिन नेशनल इमरजेंसी पूरे कंट्री पे या उसके किसी पार्ट पर इम्पोज की जा सकती है। मार्शल लॉ के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में कोई स्पेसिफिक प्रोविज़न नहीं दिए गए हैं, लेकिन नेशनल इमरजेंसी के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में डिटेल्ड प्रोविज़न दिए गए हैं। इफेक्टिंग सर्टेन फंडामेंटल राइट्स। आर्टिकल 35 कहता है कि केवल पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो आर्टिकल 16 क्लॉज 3 के मैटर पे कानून बना सकता है। सो आर्टिकल 16 के क्लॉज 3 में क्या आता है, ये बताता है कि अगर कहीं पर कोई जॉब अपॉइंटमेंट निकाली जाती है तो अगर वहाँ पर रेजिडेंस एज अ कंडीशन यूज़ करना है, मेरा मतलब है कि एक फिक्स स्टेट या यूनियन टेरिटरी का आदमी ही अगर उस जॉब अपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल हो सकता है, तो ऐसी कंडीशन सिर्फ पार्लियामेंट ही लगा सकता है। स्टेट गवर्नमेंट ऐसी कंडीशन अप्लाई नहीं कर सकती। फिर आर्टिकल 32 क्लॉज 3 के अंदर भी केवल पार्लियामेंट ही कानून बना सकती है, स्टेट लेजिस्लेचर नहीं बना सकती। आर्टिकल 32 क्लॉज 3 यह बताता है कि पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अलावा किसी और कोर्ट को भी फंडामेंटल राइट्स के एनफोर्समेंट के लिए रिट्स इश्यू करने की पावर दे सकता है। इसके अलावा आर्टिकल 33 और आर्टिकल 34 पर भी केवल पार्लियामेंट ही कानून बना सकता है, स्टेट लेजिस्लेचर के पास ऐसी कोई भी पावर नहीं है।
पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो उन एक्ट्स के लिए भी पनिशमेंट प्रिस्क्राइब कर सकता है जिनको फंडामेंटल राइट्स के अंडर में ऑफेंस कहा गया है, जैसे अनटचेबिलिटी जो आर्टिकल 17 के अंडर में आता है, ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स एंड फोर्स लेबर जो आर्टिकल 23 के अंडर में आता है। सो जो भी प्रोविजंस यहाँ अभी हमने डिस्कस करे हैं वो सब प्रोविजंस कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट के थ्रू ही चेंज या रिपील हो सकते हैं। सो गाइज, हमारी आज की वीडियो यहीं पर एंड होती है। आई होप आप लोगों को आर्टिकल 33, 34 और 35 को समझने में हेल्प हुई होगी, और ये मेरी इस चैप्टर की लास्ट वीडियो रहेगी। इसके बाद जो राइट टू प्रॉपर्टी की प्रेजेंट कंडीशन और आर्टिकल 31A, 31B और 31C है, इन पर मैंने पहले ही वीडियो अपलोड करके रखी हुई है, तो वो आप जाकर के देख सकते हैं। सो यहाँ पर हमारा फंडामेंटल राइट्स का चैप्टर एंड होता है। अगर आपको मेरी वीडियोस हेल्पफुल लग रही हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए मेरी वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और शेयर कीजिए मेरी वीडियोस को, सो दैट कि और लोगों को भी एम लक्ष्मीकांत बुक को समझने में हेल्प हो सके।